भाई और बहनों, देवी और सज्जन, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो देखिए, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अगर देखा जाए तो दो मोड, एक है मल्टीप्लेयर मोड, एक है बैटल रॉयल मोड। उन दोनों को अगर देखा जाए तो मल्टीप्लेयर मोड को एमपी मोड कहते हैं और बैटल रॉयल मोड को बीपी मोड कहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, तो ये आपको पता होगा। तो अगर मैं मल्टीप्लेयर की सेटिंग बनाऊंगा तो आप उसको सेम टू सेम बैटल रॉयल में भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर कोई अलग भी बताऊंगा मैं तो अलग भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप पे निर्भर है कि आप मतलब दोनों में सेम सेंसिटिविटी खेलना चाहते हैं या फिर दोनों में अलग सेंसिटिविटी खेलना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक स्टेप की। बेसिक स्टेप में आता है मल्टीप्लेयर मोड। मल्टीप्लेयर मोड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एम असिस्ट को आपको ऑन रखना है, फास्ट ग्रेनेड को आपको ऑफ रखना है, क्योंकि आप कुक नहीं कर पाओगे उस वजह से। तो फास्ट ग्रेनेड को ऑफ रखिए। उसके साथ तीसरी बात जो है क्विक रन, उसको ऑन रखना है। जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट, इसको भी ऑन रखना है। फिक्स साइज फायर बटन, ये भी आपको ऑन रखना है। और फिक्स जॉयस्टिक, ये आपके हिसाब से ऑन रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, या आप पे डिपेंडेंट है, आप कुछ भी रख सकते हैं इस पर, ठीक है। ADS में जो भी है ये आपको टैप टू ADS करना है। उसके साथ अगर देखा जाए डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन, इसको ऑलवेज ऑन करना है, मतलब ऑन करना है। उसके साथ स्लाइड वाइल रनिंग, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि टैप ब्राउज वाइल रनिंग, ये सिलेक्ट करना है। ऑलवेज स्क्रीन को जी सेंसिटिविटी उसको 65 पर रखना है। गायरोस्कोप आप ऑफ ही कर लीजिए अगर आप ज़्यादा डिवाइस में चेक करते हैं। अगर आप ऑन रखना है तो उसकी भी मैं सेंसिटिविटी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकिए। और कैमरा FOV जो है मल्टीप्लेयर में थोड़ा कम रखिए, मतलब 60 रखिए। और रीसेट वेपन एम, इसको आप ऑफ रखिए। और ये सेम टू सेम सेटिंग जो है बैटल रॉयल में भी आपको कॉपी करनी है बेसिक वाली, तो आप वो कॉपी कर लीजिए और रख लीजिए। लेकिन सिर्फ एक चेंज करना है, जो FOV है वो थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा ही फुल कर लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि FOV एक तरीके से आपको जूम करके दिखाए, तो अगर आपको दूर करेंगे स्पॉट करेंगे उससे। तो अब बात करते हैं मेन सेंसिटिविटी के बारे में। तो मेन सेंसिटिविटी में सबसे पहले मल्टीप्लेयर को कवर कर लेते हैं। मल्टीप्लेयर में अगर आप देखी जाए तो फिक्स स्पीड जो है उसको आपको ऑन रखना है। और उसके साथ अगर आप सेंसिटिविटी जो है उसको आप कस्टम सेंसिटिविटी में कैमरा सेंसिटिविटी चलते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी उसको रखिए आप 60, ADS सेंसिटिविटी रख लिए 88 या 90 के करीब, टैक्टिक स्कोप सेंसिटिविटी को रखिए 129-130 के करीब, स्नाइपर स्कोप को रखिए 80 के करीब। तो अब चलते हैं फायरिंग की तरफ। फायरिंग में भी स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी जो आपको रखनी है 70, ADS सेंसिटिविटी जो रखनी है आपको 88, टैक्टिक स्कोप जो रखनी है आपको 120, स्नाइपर स्कोप जो रखनी है 79 या 78 के करीब, मतलब उसके आसपास, ठीक है। तो अब आते हैं गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी। और गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी में अगर आपको ऑन रखना है तो पहले जो स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी उसको रखिए 130, ADS सेंसिटिविटी का रखिए 80, टैक्टिक स्कोप सेंसिटिविटी रखिए 150, फिर स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को रखिए 60 के करीब, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी के मेन सेंसिटिविटी के बैटल रॉयल मोड में। तो सबसे पहले इसमें आपको फिक्स स्पीड जो है उसको ऑन रखना है। उसके साथ जो सेंसिटिविटी प्रीसेट है इसमें मीडियम पे रखिए, क्योंकि इसमें मीडियम सेंसिटिविटी मुझे अभी तक तो बेस्ट लगी है। आप भी चूज़ करके देखते रहे, कुछ प्रॉब्लम कहा जाके प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो आप कस्टम बाद में कर सकते हैं, आप खुद चूज़ कर सकते हैं, आप बाद में कर लीजिए, क्योंकि इतना कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और बैटल रॉयल मोड अभी अभी आया है तो इतना सेंसिटिव मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मेरे को लगा है वो तो यही है भाई, यही बेस्ट सेंसिटिविटी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक मार देना। लाइक के मैं आज के कुछ 17 लाइक किया, मैं होप करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कर सके। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मार देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, इस वीडियो को भी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा, शेयर कर देना यार, आपका कुछ नहीं जाता, दोस्तों का भला हो जाता या फिर मेला हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ तो कर दीजिए, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करने में आपका जाया जाएगा, बिल्कुल फ्री है ना, सब्सक्राइब कर दो। और उसके साथ भाई कमेंट्स में अपना जो ओपिनियन है ना इस वीडियो के बारे में वो कुछ भी लिख सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी में आपका क्या रैंक है या फिर कुछ भी जो भी आपको लिखना है मैं लिख डालूँ, मतलब आपके पास कोई टिप्स है तो वो लिख डालो भाई, कुछ भी लिख डालो, बस लिख डालो यार, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत एक तरीके से आनंद आता है, और वो आनंद मैं बनाना रहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट्स करते जाओ। तो मैं मिलता हूँ यार आपको अगले महीने, तब तक के लिए बाय।